सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। आजकल शहनाज बड़ी खुश थी, किराए के मकान से जान छूटने वाली थी। जब भी मालिक मकान घर खाली करने को कहते थे, उसकी तो जान पर बनाती थी। अपने भाई और अपू को किराए के मकान के लिए परेशान होता देखकर उसे बहुत दुख होता था, और उसे भाई की उस आदत से भी बहुत चिढ़ थी कि वो हर काम को बहुत लाइटली लेता था। तुम आखिर मकान खाली करने से चिढ़ती क्यों हो शहनाज? शहनाज को गुस्सा होते देखकर भाई को उसको छेड़ने में मजा आता था। भाई, अगर आपको सामान समेटकर दूसरे घर में सजाना पड़े ना, तो पता लग जाएगा। बहना, सामान तो मैं और अब्बू शिफ्ट करवाते हैं ना, और तुम घर में सिर्फ ऐतराज के अलावा और क्या करती हो? भाई ने हंसकर उसे छेड़ा और शहनाज के तन बदन में तो आग लग गई। ट्रक में भरकर सामान ले जाने और घर में सामान सेट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं तो भाई बहुत तंग आ गई हूँ रोज रोज की इस शिफ्टिंग से। अम्मी अब्बू से कहे ना अपना घर खरीद ले, कब तक हम खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? परेशान तो शहनाज के अब्बू प्रोफेसर वसीम और उसकी अम्मी भी थी। मालिक मकान के नखरे, फिर हर साल किराया बढ़ाने का सिलसिला, और इसके अलावा आए दिन की तब्दीली से फर्नीचर पर भी जगह जगह निशानात अलग लग जाते थे। अब तो अप्पू ने संजीदगी से घर लेने का सोच लिया था, मगर उनकी महदूद आमदनी, बच्चों की पढ़ाई और फिर मकानों की कीमतें भी तो आसमानों पर पहुंची हुई थी। हाउस बिल्डिंग से लोन भी रिश्वत दिए बगैर नहीं मिलता था। उन्होंने हमेशा हकलाल का कमाया और बच्चों को खिलाया। अब इस उम्र में अपनी अकबत खराब करने से उन्हें डर लगता है। फिर उनकी किस्मत अच्छी थी कि हाउस बिल्डिंग में उनके एक शागिर्द के पोस्टिंग हो गई, और यूँ उन्हें बगैर किसी रिश्वत के लोन मिल गया। और फिर बहुत सोचो विचार के बाद उन्होंने शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक 300 गज का प्लॉट खरीद लिया। वो प्लॉट शहर से दूर और वीरान होने की वजह से बहुत ही सस्ता और उनके रेंज में था। शुरू शुरू में तो शहनाज और उसकी माँ उस इलाके के वीरानी को देखते हुए बहुत घबराई। अप्पू, ये जगह तो बड़ी हौलनाक है, और फिर शहर से इतनी दूर मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी? शहनाज BSc की स्टूडेंट थी और उसका भाई CA कर रहा था। बेटा, यहाँ की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ रोज़गार के मौके ज़्यादा है, इसलिए हर जगह के लोग यहाँ आकर आबाद हो रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पर जो आने वालों पर एतराज़ करते हैं। क्या अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरे जगह जाने में वीज़ा लेना पड़ेगा? हम रोज़गार के लिए दूसरे मुल्क में भी तो चले जाते हैं ना, ये तो फिर अपना मुल्क है। और बेटा, जब तक हमारा घर तैयार होगा तब तक और भी बहुत से घर बन जाएंगे यहाँ। और वाकई प्रोफेसर वसीम का अंदाज़ा सही था। 8 महीने बाद घर मुकम्मल होने पर उन्होंने शिफ्टिंग की तो काफ़ी घर बन चुके थे, सिर्फ उनके आसपास के प्लॉट खाली थे। घर देखकर शहनाज तो खुशी से बेहाल हो गए। घर बेहद खूबसूरत था, ख़ासतौर पर छोटा सा सरसब्जा लॉन, 3 बेडरूम और अटैच्ड बाथरूम पर मुश्तमिल उस घर में हर वो सहूलियत मौजूद थी जिसका शहनाज ख्वाब देखा करती थी। हर कमरे में बिल्ट इन अलमारियाँ, अमेरिकन किचन के साथ छोटा सा लेकिन स्टाइलिश सा ड्राइंग रूम जिसके साथ बाथरूम भी था। शहनाज तो खुशी से अप्पू से लिपट गई। थैंक यू अप्पू, इतने खूबसूरत घर का तो मैंने सोचा भी न था। अच्छा किया जो नहीं सोचा था, इस घर पर तो सिर्फ मेरा और अम्मी अब्बू का हक है, तुम किस खेत की मूली हो? भाई ने हंसकर कहा तो शहनाज को तो पतंगे लग गए। अब यूं ही चलते हैं भाई, देखना मैं अपना कमरा किस खूबसूरती से सजाऊंगी। सिर्फ नाम का ही कमरा होगा तुम्हारा, क्योंकि कुछ अरसे बाद हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। इंतज़ार कर रहे हैं उस शख्स का जो इस मुसीबत को अपने घर ले जाए। भाई ने फिर उसे छेड़ा और शहनाज उसको मारने दौड़े, लेकिन प्रोफेसर वसीम बीच में आ गए। बेटा, मत छिरा करो हमारे चहकती बुलबुल को, ये तो इस घर की रौनक और रहमत है, इसके रुखसती के बाद भी कमरा उसी के नाम ही अलॉट रहेगा।
कई दिन तो घर की सेटिंग में निकल गए। फिर शहनाज को तन्हाई सताने लगी, घर के सन्नाटे और वीरानी से दिल घबराने लगा। हालांकि काफी घर आबाद थे, लेकिन अजीब खुश्क और बदसोक लोग थे। किसी ने फूले से भी आकर झांका तक नहीं था। यूं यूं वक्त गुजरता रहा, शहनाज एक अजीब किस्म की बेचैनी और अकेलापन का शिकार हो रही थी। आजकल कॉलेज की भी छुट्टियां थी और मोबाइल पर दोस्तों से कितनी बातें करती और कब तक टीवी देखती। किसी से अपनी कैफियत शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर खरीदने के लिए सबसे ज्यादा उतावली वही थी। उस दिन अचानक अम्मी को प्रोफेसर साहब के दोस्त की वालिदा के इंतकाल पर जाना पड़ गया, तो अप्पू ने अम्मी को जनाजा उठने से पहले पहुंचने के लिए कहा था। अम्मी, मैं घर में अकेले कैसे रहूंगी, शहनाज ने अपनी अम्मी से कहा। मैंने तुम्हारे भाई को मैसेज कर दिया है, वो मुझे एक घंटे बाद पिकअप कर लेगा। तुम्हारे अप्पू तो जनाजा पढ़कर ही आएंगे, तुम तब तक टीवी देखती रहना। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम दरवाजा मत खोलना। माँ के चले जाने के बाद शहनाज ने लाउंज में रखे टीवी को ऑन किया। उसका पसंदीदा ड्रामा आ रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लाहौल वलकुवत। उसको अपनी ही बुस्तली पर हंसी आ गई। अब उसको सर्दी महसूस हो रही थी। नवंबर का महीना था और खुले इलाके के वजह से फिजा में खुनकी सी पैदा हो गई थी। शहनाज ने टीवी बंद किया और कॉफी बनाने किचन की तरफ बढ़ी, जो कि अमेरिकन स्टाइल में खुला हुआ था, और काउंटर के साथ दो कुर्सियां भी रखी हुई थी, जिस पर अक्सर दोनों माँ बेटी दोपहर को खाना खाया करती थी। अभी शहनाज कॉफी बना के उस काउंटर पर रख के पीछे मुड़ी ही थी कि उसके पीछे से कॉफी फेंकने की आवाज आई। उसकी हैरत से तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तैयार कॉफी काउंटर पर रखी थी, फिर उसको फेंका किसने? वो घबरा कर अपने कमरे में बंद हो गए और मोबाइल पर भाई से बात करने की कोशिश करने लगी, मगर शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। वो तो अब चीख चीख कर रोने लगी और फिर वो डर के मारे बेहोश हो गई। आँख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी और बाहर से अम्मी और भाई की बातों की आवाज आ रही थी। वो घबरा कर कमरे से बाहर निकल गई। भाई, अम्मी, आप लोग वापस आ गए? दरवाजा किसने खोला था? पागल, तुम्ही ने तो खोला था, फिर बात किए बगैर जाके कमरे में सो गई। मगर अम्मी ने तुम्हें उठाने नहीं दिया, क्योंकि तुमने जबरदस्त सुहरापे का मुजाहरा करके उन्हें तो हैरत में डाल दिया था। खाना तैयार, रोटी पकी हुई और घर साफ सुथरा। तुम किस कदर कामचोर और निकम्मी हो, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज तुम पर काम करने का दौरा कैसे पड़ गया? भाई के लहजे में शरारत थी। मत तंग करो मेरी बेटी को, इस कदर काम किया है, थक कर सो गई होगी ना, माँ ने प्यार से कहा तो वो सोच में पड़ गई। कैसे बताऊं उन्हें कि मैंने तो कोई काम नहीं किया, और फिर पता भी दिया तो क्या फायदा होगा? कर्ज उधार लेकर ये घर बनाया है अब्बू ने, क्या इसे छोड़ना होगा? शायद मैंने ख्वाब देखा होगा, लेकिन क्या मैंने ख्वाब में खाना भी पका दिया? माँ और बाप हैरान थे। शहनाज, जो नमाज पढ़ने की आदी न थी, आजकल बगैर कहे नमाज के साथ साथ तिलावत कुरान पाक भी कर रही थी। दोनों ही बहुत खुश थे और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि बीएससी करते ही वो अपनी बेटी की शादी कर देंगे। मगर परेशानी ये थी कि लोग रिश्ते के लिए कहते जरूर थे, लेकिन इस इलाके यानी शहर से इतनी दूर आने के लिए कोई तैयार ना होता था। अब तो प्रोफेसर साहब को भी शहर से बाहर घर बनाने पर मलाल होने लगा। घर खरीदने से पहले उन्हें घर वालों की और लोगों की राय को अहमियत देना चाहिए था, या कम से कम इतना ही करते कि इस्तखारा ही कर लेते। हालांकि उनकी ये आदत थी कि किराए का घर लेने से पहले भी वो इस्तखारा जरूर करते थे, ताकि अल्लाह की रजा शामिल हो जाए। मगर जाने किस तरह इस अहम काम के वक्त वो इस्तखारा करना भूल गए और अब वो पछता रहे थे।
अपू ने शहनाज के तन्हाई के ख्याल से उसके कमरे के लिए बीवी के मना करने के बावजूद छोटा टीवी ले लिया था ताकि वो अपने कमरे में सुकून से टीवी देख सके, क्योंकि जिस किस्म के खुले ड्रामे और प्रोग्राम आते थे उन्हें खुद भी बच्चों के खास तौर पर बेटी के साथ बैठकर देखने में शर्म आती थी। एक रात की बात है, जब नींद आने पर शहनाज ने टीवी ऑन किया तो उस पर कोई डरावनी मूवी आ रही थी। उसने खौफजदा होकर टीवी बंद करना चाहा तो टीवी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और स्क्रीन भी एक डरावनी सीन पर आके अटक गई थी। शहनाज को एहसास होने लगा कि हर आंख उसी को घूर रही है और हर चेहरा उस पर टिका है। एक जिगरपाश और खौफनाक नजारा उसके सामने था। खौफ से उसका अपना चेहरा मस्क हो गया था, हाथ पांव जैसे मफलूज और गला खुश्क। उसकी तो आवाज हलक में ही अटक गई। एक ढांचे जैसी चीज जिसके बड़े बड़े दांत आगे की तरफ निकले हुए थे, आंखों की जगह खाली कट्ठे झांक रहे थे और चीथड़ों जैसे कपड़ों से लटकते हुए हाथ जमीन को छू रहे थे। वो तो एकदम घबराकर पूरी तरह चीखने लगे। उसकी चीखें सुनकर सब उसके कमरे में आ गए। उसने फटी फटी नजरों से सबकी तरफ देखा और टीवी की तरफ इशारा करते हुए, जो कि बंद हो चुका था, बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो कुछ लम्हे तो जहन ने काम करना बंद कर दिया। फिर रफ्तार रफ्तार याद आने पर वो माँ से लिपट कर रोने लगी और एक एक लफ्ज उन्हें बता दिया। बेटी, आखिर तुम मुँह ही मुँह में क्या बिरबिरा रही हो, बोलती क्यों नहीं? अरे, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? अम्मी, अप्पू और भाई उसे हैरत से देख रहे थे और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसकी बात सुन क्यों नहीं पा रहे, उसकी बात को समझ क्यों नहीं पा रहे। अप्पू और भाई भी परेशान हो गए। बेटी, गुमसुम क्यों हो, बताओ तो सही, क्या तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा था? अब शहनाज परेशान होकर सोच रही थी, आखिर मेरी बात सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। अम्मी, आप शहनाज को आराम करने दे, शायद ख्वाब में डर गई है, आप इसे अपने कमरे में ले जाए, भाई ने संजीदगी से कहा और गहरी सोच में डूब गया। अम्मी, मैं रोजाना आपके कमरे में सो जाया करूं? शाम में शहनाज ने डरते हुए अपने अम्मी से पूछा। क्या हो गया है शहनाज, बिल्कुल ही बच्ची बन गई हो, ये देर रात तक जागने का नतीजा है। मैं तो पहले ही तुम्हारे कमरे में टीवी रखने के खिलाफ थी, मगर तुम्हारे भाई और अप्पू के प्यार के आगे मेरी कहाँ चलती है, अब सारी रात जागती हो और सुबह मुश्किल से उठती हो। शहनाज ने एक मर्तबा फिर सारा किस्सा माँ को सुनाने के लिए जुबान खोलने की कोशिश की, लेकिन जुबान में तो जैसे ताले पड़ गए। वो फिर माँ से लिपट कर रोने लगी। अम्मी, ये घर बेच दे, उसने ये हिम्मत करके कहा। पागल हो गई हो, किस कदर मेहनत और मुशक्कत और वक्तों से तुम्हारे अब्बू ने ये घर बनाया है, तुम्हारे अब्बू का खून पसीना शामिल है इसके बुनियादों में। मैं कभी एक दीवार में कील भी ठोकू ना तो वो कहते हैं मेरे दिल को तकलीफ होती है, इश्क है उन्हें इस घर से। और फिर वैसे भी आजकल वो बेहद परेशान है, क्योंकि जिनसे उधार और कर्ज लिया था उनके तगाजे शुरू हो गए हैं। अम्मी ने ठंडी सांस भरी और कमरे से बाहर निकल गई। शहनाज सोच में पड़ गई, क्या इस घर में आसिफ का असर है या मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, आखिर सब भी तो इसी घर में रहते हैं। उसने सोचा कि आज वो भाई को जरूर बताएगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सोचते ही अपने भाई को सारी बातें बताने के लिए कमरे से जैसे ही वो बाहर निकली, उसके बोलने से पहले ही अम्मी बोल पड़ी उसके सामने आकर। खबरदार जो एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुनिए, शहनाज ने आरजी से कहा। किससे कह रही हो, अम्मी तो नहाने गई है, भाई ने अखबार पढ़ते हुए उसे बोला। भाई, अम्मी अभी तो यहाँ खड़ी थी, वो घबराकर बोले। शहनाज, तुम्हारे साथ क्या मसला है, मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम बताती क्यों नहीं हो, अम्मी कब यहाँ खड़ी थी, अम्मी तो कब से बाथरूम में है। भाई, आप जरा मेरे कमरे में आए।
हाँ आप बताओ क्या बात है। शहनाज चीखे मार मार कर रोने लगी। क्या बात है शहनाज, क्या परेशानी है, तुम बताते क्यों नहीं हो। उसी लम्हे अम्मी कमरे में आई और शहनाज को डांटना शुरू कर दिया। क्यों भाई को तंग कर रही हो, मना किया था ना फिजूल बातें करने से। क्या हो गया है अम्मी, क्यों बेवजह इस बेचारी को डांट रही हो आप। माँ ने घूर कर शहनाज के तरफ देखा और जाने उन आंखों में क्या था कि शहनाज की तो सिट्टी ही गुम हो गई, आवाज बिल्कुल बंद हो गई। उसने बेबसी से भाई की तरफ देखा और सर झुका लिया। तुम परेशान ना हो, मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ, बेवजह तुम्हें डांट दिया। भाई अब अम्मी के पीछे गए जो कि उस कमरे से निकल चुकी थी। अम्मी किचन में खड़ी हुई मिली तो भाई बोलने लगा, क्या हो गया है अम्मी आपको, क्यों शहनाज के पीछे पड़ी रहती है आप, बेवजह इसको डांट दिया कमरे में आकर, एक लौती बहन है मेरी, मुझे बेहद अजीज है। पागल हो गए हो तुम, मैं क्यों डांटूंगी शहनाज को, मैं तो अभी अभी नहा कर निकली हूँ, सोचा चाय बना लूं। भाई को अच्छा नहीं लगा कि माँ के इस गलत बयानी पर उन्हें टोके, इसलिए उसने माँ से बहस करना मुनासिब नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चला गया। और फिर ऐसे ही चलते चलते एक दिन तो हद ही हो गई। शहनाज ने मुंह पर साबुन लगाकर नल खोला तो नल से पानी आना बंद हो गई थी। उसने जोर जोर से अम्मी को पुकारना शुरू कर दिया, अम्मी मोटर चला दीजिए, नल से पानी नहीं आ रहा है। आंखों में मिर्ची लगने लगी तो उसने यूं ही टॉवल से अपना मुंह पोंछा और उसकी चीख निकल गई। एक भयानक चेहरा उसके सामने आईने में था। वो जल्दी से बाथरूम से निकलकर अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ी। माँ ने शहनाज को घूर कर देखा, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था और आंखों से कहर बरस रहा था। शहनाज माँ के बिगड़ते चेहरे को देखकर चीखे मारती हुई घबरा कर घर से बाहर निकल गई और गेट पर ही बैठ गई। कुछ देर बाद जब शहनाज के भाई और अप्पू घर वापस आए तब भाई और अप्पू को देखकर उसके जान में जान आई। ये क्या तरीका है, घर के बाहर क्यों बैठी हो। भाई ने उसको डांटना शुरू किया तो वो जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने ही अम्मी खड़ी थी। कहाँ चली गई थी तुम बेटी, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। अब शहनाज ने बताने के लिए मुंह खोलना चाहा मगर उसको अपनी माँ की आंखों में फिर से कहर नजर आया तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। अप्पू मुझे शहनाज की बड़ी फिक्र है, पता नहीं क्यों हर वक्त डरी डरी सहमी सहमी से रहती है, पूछो तो कुछ बताती भी नहीं है, पता नहीं उसके साथ क्या मसला है। तन्हाई में भाई ने अप्पू के सामने अपने परेशानी का इजहार किया और अप्पू भी सोच में पड़ गए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। घर में सफेद बिल्ली को देखकर तो शहनाज की आंखें चमक उठी। उसको बिल्लियाँ बहुत पसंद थी। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया। अम्मी देखिए किस कदर सेहतमंद और खूबसूरत बिल्ली है, भाई को दिखाती हूँ। ये कहने के बाद शहनाज जब उस बिल्ली को गोद में लेकर अपने भाई के कमरे की तरफ जा रही थी तो अचानक शहनाज को लगा बिल्ली का वजन बढ़ता जा रहा है और उसके बढ़ते वजन के वजह से शहनाज के हाथ भी दुख रहे हैं। उसने जैसे ही बिल्ली की तरफ देखा उसकी तो चीखें निकल गई। उस बिल्ली की जगह अब उसकी गोद में एक सेहतमंद बकरी थी। बकरी को देखते ही वो डर गई और चीखें मारने लगी। उसकी चीखें सुनकर सब वहां जमा हो गए लेकिन तब तक वो बकरी वहां से गायब हो चुकी थी। शहनाज थर थर कांप रही थी। अप्पू ने पूछा, बेटा क्या हुआ। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा कि एकदम मुंह फेर लिया और तेज तेज बोलकर सारा किस्सा बयां कर दिया। वो जानती थी कि माँ की आंखों में उसको कहर नजर आता है जिससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। शहनाज ने अप्पू को ये भी बताया कि मैं जब भी भाई या अम्मी से बात करने की कोशिश करती हूँ तो अम्मी मेरी बात नहीं सुनती और मुझे डरा धमकाकर भाई को भी बताने से मना कर देती है। बेगम तुम शहनाज की बात क्यों नहीं सुनी, अप्पू भी गुस्से में कहने लगे।
मैं आपको क्या बताऊं, खुद मेरी भी बोलती बंद हो जाती थी। मैं खुद सारी सारी रात जागती हूँ, दीवारों पर, छत पर मुख्तलिफ शक्लें मुझे डराती रहती हैं। कभी उनके हाथ लंबे हो जाते हैं और अजीब अजीब भयानक मफूकुल फितरत शक्लों का रक्स जारी रहता है। कई मर्तबा आपको बताना चाहा मगर मेरी खुद की आवाज़ बंद हो जाती है। कितनी मर्तबा मैंने शहनाज को भी बताने से मना किया है और ये मना करने की आवाज़ मुझे अंदर से आती है, जैसे किसी से अगर जिक्र किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर मुझे ये भी एहसास था कि कितनी मेहनत, मुशक्कत और उधार कर्ज लेकर आपने ये घर बनाया है। इसकी बुनियादों में आपके खून पसीने की कमाई शामिल है, कैसे इसे छोड़ दे? ये सुनकर शहनाज के अप्पू ने कहा, हैरत है मुझे तुम पर, इतने साल एक साथ रहने के बाद तुमने मेरे बारे में यही अंदाजा लगाया। अरे बेगम, तुमसे और अपनी औलादों से ज्यादा मुझे दुनिया में कोई चीज अजीज नहीं है। इस घर को कोड़ियों के मोल में बेच भी दूना तो भी सौदा महंगा नहीं, मगर मुझे दुख ये है कि दोनों माँ बेटियाँ इस परेशानी से गुजरती रही और जिक्र तक नहीं किया। यकीनन इस घर पर आसिबों का असर है। क्या वाकई अब्बू? भाई ने पूछा। हाँ बेटा, जो तुम्हारी अम्मी और बहन बता रही है ना, वो गलत नहीं हो सकता। कुरान शरीफ में सूरह जिन में इसका जिक्र है। हम किसी आलिम से बात करेंगे, अल्लाह की कलम की बरकत से हमें उनसे निजात मिल जाएगी। आलिमों को तो बस रहने देना अप्पू, एक से बढ़कर एक झूठे और फ्रॉड होते हैं, ऐसे आलिमों पर तो लानत है। मैं भी जानता हूँ बेटा, मगर तलाश तो करना पड़ेगा ना, अभी भी नेक लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं। आज से मैं शहनाज के कमरे में और शहनाज अपने माँ के साथ सोएगी, और सोते वक्त आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़कर हिसार जरूर कर लेना। इस हादसे के कुछ दिनों बाद शहनाज का कॉलेज भी शुरू हो गया था। जब से शहनाज ने माँ के साथ सोना शुरू किया था, उसका खौफ और डर जाता रहा। अप्पू भी किसी आलिम के तलाश में थे, साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर से भी घर बेचने की बात कर रखी थी। जब अपने घर में सुकून से रहने की आदत हो गई थी तो इसीलिए सब परेशान थे कि किराए के घर में कैसे रहेंगे, क्योंकि जितनी कीमत घर की लग रही थी उसमें तो 120 गज का घर भी नहीं आ रहा था। मगर अप्पू ने मुहिम जारी रखी। उन्होंने सोच लिया था कि अगर घर ना बिक सका तो शहर में किराए में घर ले लेंगे। वैसे भी आजकल शहनाज की शादी के लिए सब परेशान थे, कोई ढंग का रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर कोई लड़का देखने की ख्वाहिश भी करता तो शहर से इतनी दूर सुनकर ही मना कर देता था। इसलिए अप्पू भी ऐसे वीरान इलाके में घर बनाकर बचता रहे थे। फिर एक दिन की बात है, जब अप्पू घर पहुंचकर बेल बजाने ही वाले थे कि एक बुजुर्ग को अपनी तरफ बढ़ते पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। अप्पू के लिए तो वो बिल्कुल अजनबी थे। जी, मुझे खलीलुर रहमान कहते हैं, हैदराबाद में मेरी रहाइश है। सुना था आप मकान बेचना चाह रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। प्रोफेसर साहब ने उन्हें ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया और रखरखाव से मुतासिर होकर सारी बात बता दी, सिवाय इसके कि घर में किसी किस्म के आसेब का शक है, क्योंकि खुद अप्पू अभी तक इस तजर्बे से नहीं गुजरे थे, इसलिए उन्होंने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आप हैदराबाद में रहते हैं तो फिर यह घर क्यों लेना चाह रहे हैं? अरे साहब, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? फिर वो नरमी से बोले, मैं इस मकान की कीमत का फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप शहर के किसी भी हिस्से में इतना ही बड़ा मकान पसंद कर ले, वो आपके ही नाम हो जाएगा, फिर ये आप मेरे नाम कर देना। देखिए, मैं सौदे में बेईमानी नहीं कर सकता। जिस कीमत में मुझे ये मकान पड़ा है उस कीमत में दो शहर में इससे आधा घर भी नहीं मिल पाएगा। फिर हाउस बिल्डिंग का लोन और लोगों का कर्ज, मैं तो घर खरीदने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब ने सफाई से अपनी हैसियत बता दी। बुजुर्ग सहरी लब मुस्कुराए और फिर बोले, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप जल्द से जल्द मकान पसंद कर ले, मैं एक हफ्ते बाद आकर आपसे मिलूंगा
और हाँ, अभी इस डील के बारे में किसी को बताइएगा नहीं। अप्पू तो हैरान रह गए और उनके सामने से खलीलुर रहमान साहब भी चले गए। और अप्पू हैरत में डूबे सोच रहे थे कि क्या ये गैब की मदद है। अप्पू ने घर वालों को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि किसी एजेंट ने कहक भेजा था। फिर उन्होंने घर देखना शुरू किया। उन्हें हमेशा से शहर के आबाद हिस्से में बसने की चाह थी। उनके जान पहचान के कुछ लोग भी वहाँ रिहायश वजीर थे। उन्हें एक बंगला पसंद आया जो कि 240 गज पे था। बेहद खूबसूरत और नया बना हुआ था। उनको अंदाजा था कि इसकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ की तो होगी ही। फिर उन्होंने दूसरे सोसाइटी में भी 200 गज पर एक घर देख लिया। हालांकि उनको दोनों में से किसी एक के भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब उन्हें खलीलुर रहमान का पूरी तरह से इंतजार था और देखते ही देखते वो एक हफ्ते के बाद वहाँ आ गए। उम्मीद है कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, उन्होंने पूछा। घर पसंद तो कर लिया है मगर मुझे अंदाजा है कि वो मेरी रेंज में नहीं है। आप इस घर की कीमत लगा दें, हम ये घर बेचकर किराए के घर में चले जाएंगे, फिर बाद में हम घर खरीद लेंगे, अप्पू ने हिचकिचाते हुए शर्मिंदगी से कहा। जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों फिक्र करते हैं, खलीलुर रहमान ने अप्पू को गाड़ी में बिठाया और शहर की तरफ रुख किया। अप्पू को अब भी इस बात पर यकीन नहीं था। उनको लग रहा था कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद 240 गज का मकान उनके नाम हो चुका था। उन्होंने एहतियातन अपने दोस्त के जरिए मालूमात की। कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, ना कोई लंबा चौड़ा केस था। पूरी पेमेंट हो चुकी थी और घर उनके नाम हो गया था। दूसरे दिन खलीलुर रहमान उनको अपने साथ कोर्ट में ले गए और एक दिन में उनका घर खलीलुर रहमान के नाम हो गया। फिर अप्पू की हैरत पर वो मुस्कुराकर बोले, आप किसी शक पे ना पड़े और अपना सामान बांध ले शिफ्टिंग के लिए। आप अपने बेटी की शादी के लिए भी परेशान हैं, देखिएगा वो नया घर आपके घर वालों के लिए खुशनसीबी की अलामत साबित होगी और आपके बेटे और बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। उन बुजुर्ग की कही बात बिल्कुल सच साबित हो गई। ये घर उनके लिए बेहद अच्छा साबित हुआ। प्रोफेसर साहब का प्रमोशन हुआ और वो प्रिंसिपल बन गए और शहनाज के लिए बहुत अच्छे शरीफ घराने से रिश्ता आ गया। शहनाज तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। घर भी बेहद खूबसूरत और पुरसकून था। अम्मी खलीलुर रहमान को दुआएं देती ना थकती थी। एक दिन उन्होंने अब्बू से कहा, मेरा ख्याल है किसी दिन उन बुजुर्ग के घर चलकर शुक्रिया तो अदा कर दें, शहनाज के मंगने की मिठाई भी खिला कर आएंगे। प्रोफेसर साहब को बेगम का सुझाव बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन बड़ा सा केक लेकर वो बेगम के साथ उनके घर पहुंच गए। बेल दे दे कर थक गए मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर तंग आकर उन्होंने एक पड़ोसी से पूछा, ये खलीलुर रहमान साहब क्या घर में नहीं रहते हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं, उस आदमी ने हैरत से पूछा। ये घर पहले हमारा था और हमने खलीलुर रहमान साहब को बेचा था। आज हम इनसे मिलने आए हैं तो कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। हालांकि घर की लाइट्स भी चली हुई है और महसूस हो रहा है कि कोई अंदर है। जाइए जाइए, अपना रास्ता ना पिए साहब। जब से आप लोग घर से गए हैं तब से आज तक हमने इस घर में किसी को नहीं देखा। अलबत्ता रात को रोजाना लाइट्स जरूर चली होती है। अजीब बात है, ना समझने का ना समझाने का। लोग कहते हैं इस घर में जिन्नातों का बसेरा है, वाला आलम, लेकिन आज तक कोई अंदर नहीं गया। अगर कभी किसी बच्चे की बॉल खेलते हुए अंदर चली जाए ना तो वहाँ से कोई बॉल बाहर फेंक देता है। जो कोई भी है, जिन या आसिफ, हमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनकी वजह से पूरे मोहल्ले में सुकून है। ना चोरी, ना चकैरी, ना मर्डर। वापसी के सफर में प्रोफेसर साहब ने अपनी बेगम को तंबीह की, देखो बेगम, जो कुछ भी हमने सुना समझ लो सुना ही नहीं, भूले से भी किसी के सामने जिक्र मत करना। मुझे लगता है कि जो भी इस घर के गैर मरे मकीन थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उस घर में रहे।
वो हमारी मजबूरी को समझते हुए खुद ही मकान के खरीदार बनकर आए थे। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारा भला ही किया। इसलिए बेहतर है हम भी इस बात को भूल जाएं और कभी भूले से भी किसी से और अपने बच्चों से भी इस बात का जिक्र ना करें। अम्मी ने भी दिल ही दिल में सोच लिया और वाकई फिर दोनों मियाँ बीबी ने इस बात का अपने बच्चों और किसी से भी जिक्र नहीं किया। लेकिन वो ये समझ चुके थे कि ये कोई नेक जिन बुजुर्ग थे जिनको उनकी अपने घर में प्रोफेसर साहब और उनके फैमिली का रहना पसंद ना आया और कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके नए घर का बंदोबस्त कर दिया।